आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 2018 में मकर राशि वालों का प्रेम, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप और यदि शादी करने वाले हैं या शादी के लायक हैं तो कैसा रहेगा या उपयुक्त समय कैसा रहेगा। 2018 प्रेम संबंधों के लिए सामान्यतः औसत रह सकता है। सप्तम में स्थित राहु इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आपको आपसी संदेह से बचना होगा। अननेसेसरी एक दूसरे ऊपर शक मत करो। आपकी जो शक है हो सकता है कि बेबुनियाद हो। ऐसा हो सकता है कि साथी की गतिविधियां कुछ संदेहास्पद रहे, संदेह जैसा लगे, संदेह करने लायक रहे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो आपसे जो छिपा रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य आपको अंधेरे में रखना हो। ये दोनों पे लागू होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो उन पे भी लागू होता है, या यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उन पे भी लागू होता है। अननेसेसरी शक आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी शक बेबुनियाद हो सकती है, क्योंकि शायद वह जो छुपाए उसमें आपकी खुशी नहीं, तो ये भी तो हो सकता है। सितंबर के बाद का समय आपके लिए बेहतर होगा, बेहतरी लाएगा, यानी वर्ष के अंत में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किसी मंगल कार्य के होने की भी संभावना बन रही है। तो जो लोग शादी के लिए मतलब रेडी हैं उनके लिए शादी के लिए जो अच्छे दिन होंगे या जो तैयारी उन्हें करनी चाहिए वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे आपसे गुजारिश करेंगे कि एक लाइक कर दीजिए और उसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।